हे फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग्स। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये देखिए डॉलर्स, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार डॉलर्स को देखा और मैं सोच रही थी कि एक दिन मुझे भी यूट्यूब से डॉलर्स की पेमेंट आएगी। और ये वाला जो है ये डॉलर नहीं है, पहले जो देखा आपने वो डॉलर था। तो आज के ब्लॉग में काफ़ी कुछ है, दो दिन का व्लॉग एक साथ है, राखी के कपकेक की ऑर्डर की तैयारी के साथ साथ भाई को राखी, भाई के साथ राखी सेलिब्रेट करना और भाई लोग बैंकॉक चले गए, वो सभी कुछ आज देखेंगे आप लोग। तो आज मेरा फुल डे का रूटीन आप लोग देखिए व्लॉग में। मैं शुरू से दिखा रही हूँ, केक का ऑर्डर्स था, ये 10 तारीख का आप लोग देख रहे हैं। 10 तारीख को मैं आ गई थी बेलेघाटा सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद, और आने के तुरंत बाद मैं काम में लग गई थी क्योंकि काफ़ी सारा मुझे काम करके शाम को फिर घर जाना था। तो ये देखिए सबसे पहले मैं मिठाई केक और कपकेक्स बना रही हूँ जो कि ऑर्डर है। ये देखिए बैटर बनने के बाद बेक होने के लिए मैंने रख दिया फर्स्ट बैच, और ये देखिए सेकेंड बैच इधर मैं प्लेट में सजा रही हूँ, ये भी बेक होगा। और साथ में दो केक्स भी मुझे बनाने हैं। केक्स जो है वो चॉकलेट केक बनेगी ट्रफल की, तो मैं केक टिन को पहले रेडी कर रही हूँ, इसके बाद केक का जो बैटर है वो बनाऊँगी। और तब तक हमारा जो कपकेक्स है वो बेक हो रहा है ऑलरेडी फर्स्ट वाला बैच। ये देखिए इसी तरह गैस पे भी आप, मैंने मोमो का कंटेनर यूज़ किया, इसी में मैं बनाती हूँ हमेशा। तो देखिए गैस पे भी कितने अच्छे से केक्स बन सकते हैं और एक बार में इतने सारे। तो देखिए सारे फर्स्ट बैच का हो गया रेडी, और इसके बाद सेकंड बैच के लिए मैंने दोनों केक्स स्पंज के साथ सेकंड बैच का जो कपकेक था वो भी सब कुछ एक साथ रख दिया। तो ये हमारा फर्स्ट बैच आ चुका है और इसे मैं अभी फ़िलहाल ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। इसके बाद इस पर क्रीम से इसे सजाया जाएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये हमारा पहला बैच है। और ये देखिए दूसरा बैच भी निकाल के ले आई। अब ये सबको ठंडा होने देते हैं फिलहाल, और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चॉकलेट केक के लिए चॉकलेट्स मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ। और केक जो है वो बेक हो रहा है, लेकिन कपकेक्स छोटे छोटे होते हैं ना तो जल्दी हो जाते हैं, तो इसीलिए दोनों बैचेस के कपकेक्स हो गए, केक्स में अभी थोड़ा समय है। और ये देखिए तब तक मैं सारी बॉक्सेस बना के कम्प्लीट कर रही हूँ जिनमें केक्स की डिलीवरी होगी। और केक्स हमारे, ये कपकेक्स ठंडे हो गए तो इन्हें हम वाटर से स्प्रे कर रहे थे। और ये देखिए अभी केक भी बेक हो गया। अब इसके बाद यहाँ मैं चॉकलेट ट्रफल सॉस बना रही हूँ अपने केक्स के लिए, जो दो केक्स बनेंगे। तो दिन भर का काम मैं आपको इतने छोटे से 10-15 मिनट के वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा दिन कंटिन्यू मुझे काम करना होता है जब भी केक का ऑर्डर रहता है, बहुत मेहनत का काम है। ये देखिए जब तक केक स्पॉन्ज वगैरह ठंडा हो रहा है, जितना बर्तन था वो मैंने धो लिया क्योंकि फिर से काफ़ी सारे बर्तन निकलेंगे। और बर्तन धोने के बाद यहाँ मैं क्रीम व्हिप कर ले रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा समय था, केक्स को ठंडा होना था। तो ये देखिए अब केक ठंडा हो चुका है सारा, और क्रीम भी मैंने व्हिप कर लिया है। तो चलिए अब इसमें पाइपिंग करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले कपकेक्स को तैयार कर लूँगी, उसके बाद मैं केक्स को तैयार करूँगी। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने ब्रेकफास्ट मानिक तल्ला में किया था माँ के घर, आने के बाद कंटिन्यू मैं काम किए जा रही हूँ पूरे दिन। दोपहर हो चुकी है लेकिन मैंने ना लंच किया है ना कुछ भी, क्योंकि लंच वगैरह मैं कुछ ले कर नहीं आई थी और मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं लंच बना के लंच करूँ, क्योंकि ऑर्डर्स हैं इतने सारे। काम कंप्लीट करके शाम को मुझे वापस मानिक तल्ला भी जाना है, आदि आया नहीं है मेरे साथ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से कपकेक्स मेरी रेडी हो रही हैं। ये कपकेक्स नहीं है एक्चुअली, ये बहुत छोटी साइजेस की होती हैं, इन्हें कहते हैं मिठाई केक, यानी कि ये दिखने में मिठाई जैसी होती हैं लेकिन है एक्चुअली केक, नीचे में स्पंज है ऊपर से क्रीम है। और ये सभी के सभी जो है ना वैनिला फ्लेवर्स के बन रहे हैं, जिस तरह के ऑर्डर्स होते हैं उस तरह के कोई भी फ्लेवर बन सकता है, लेकिन ये सारे वैनिला फ्लेवर्स के ऑर्डर्स थे। तो ये देखिए चार डब्बे में, एक एक डब्बे में 16 पीस आता है, तो इस तरह का चार डब्बा मिठाई केक रेडी हो गया। अब एक डब्बा मुझे रेडी करना है कपकेक, और कपकेक जो है वो एक डब्बे में 9 पीसेज आती हैं। तो ये देखिए 9 पीसेज कपकेक भी तैयार कर लेंगे, और ये कपकेक भी वैनिला है मिठाई केक की तरह। और अब इसके बाद चलिए देखिए इसकी डेकोरेशन हो रही है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ एडिबल होता है, ये पिंक कलर हो ग्रीन कलर हो ये जो भी हो,
ये वनीला क्रीम है और उसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट किया जा रहा है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे जो ग्लिटर वगैरह है वो सब कुछ खाने वाली चीज़ें होती हैं। और मैं एगलेस बनाती हूँ तो मेरे बेकरी के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से एगलेस होते हैं। तो अगर कोलकाता में रहने वाले कोई लोग, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग ऑर्डर करना चाहें तो मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं, कपकेक्स हो या केक्स हो। ये देखिए अब इन कपकेक्स का फाइनल लुक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और देखिए मेरे कपकेक्स भी रेडी हो गए, मेरे सारे मिठाई केक्स भी रेडी हो गए, 16-16 करके 4 बॉक्स और साथ में 9 कपकेक्स का एक और बॉक्स। तो अब चलिए कपकेक को भी बॉक्स में डाल लूँ और ये सारा कुछ अभी चला जाएगा फ्रिज के अंदर। जब तक मैं केक बनाऊँगी तब तक ये सब कुछ फ्रिज में ठंडा होता रहेगा। तो उन पे मैंने अपनी स्टिकर्स लगा दी, जो भी मेरे ब्रांड का नाम है उसका, मेराकी पैशन ऑन प्लेट, और वो सब फ्रिज में जा चुका बॉक्स। और अब चलिए ये देखिए दोनों केक्स की तैयारी हो रही है और दोनों में से एक केक जो है वो ऑर्डर का है और एक केक मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, आदि पुन्नू और खुशी सब एक साथ काटेंगे। और प्योर चॉकलेट केक ये बन रहा है दोनों। घर वाला जो केक है ना उसमें मैं जो भी लेफ्ट ओवर क्रीम वगैरह बच रहा है ना, कपकेक्स का थोड़ा सा ग्रीन कलर बच गया था, वो सभी लगा के बना दूंगी, लेकिन जो ऑर्डर वाला है वो सही से बनाऊंगी अच्छे से। ये देखिए थोड़ा सा कपकेक का ग्रीन कलर बचा था तो वो भी मैंने इसमें लगा दिया, लेकिन ये सिर्फ अंदर की फ्रॉस्टिंग हो रही है। जब कंप्लीट केक बन जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें बची हुई क्रीम डाल के बनाई गई है। और जो ऑर्डर का केक है वो ब्लू कलर में बनेगा, जिसकी अभी देखिए तैयारी हो रही है। और इसी तरह से दिन भर काम करते करते थक भी गई थी, लेकिन थक के आराम करने के लिए फुर्सत नहीं है। जब ऑर्डर्स होते हैं ना तो रेस्ट करना, खाना पीना सब भूल जाती हूँ, दिन भर इसी तरह कंटिन्यू काम करना पड़ता है। और आज मैंने सोचा ये सब काम करते वक्त ना शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ दिन भर मैं अपने एक छोटे से कमरे में किस तरह से सारा सारा दिन काम करती रहती हूँ कंटिन्यू, सुबह से लेके शाम हो जाती है और काम ख़त्म नहीं होता, इतना प्रेशर होता है काम का। तो आज मैं ज़रा सा सोची हूँ कि आज पूरे दिन का आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए केक दोनों भी क्रीमिंग हो गई और वो दोनों फ्रिज में चले गए। अब यहाँ पे क्योंकि राखी के लिए केक है तो राखी का थीम बनाना है मुझे, इसीलिए दो राखियाँ बना रही हूँ और ये सब शुगर पेस्ट से बन रही है, सब एडिबल है। और साथ में ये रक्षाबंधन का एक टैग जो कि मैं टॉप पर लगाऊंगी ऑर्डर वाले केक पे। तो चलिए ये देखिए ऑर्डर वाला केक बन के तैयार हो गया, ये है फाइनल लुक, राखी थीम केक जो कि एक ऑर्डर का है। कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ये वाला है जो मैंने बच्चों के लिए बनाया, अंदर से तो दोनों केक प्योर चॉकलेट है लेकिन ऊपर से इनकी फ्रॉस्टिंग राखी थीम बना के मैंने की है। तो दोनों केक्स आपको कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब देखिए केक बन तो गया लेकिन इसके बाद फिर से इतने सारे बर्तन निकल गए हैं, एक बार बर्तन धो चुकी हूँ ऑलरेडी। तो चलिए अब ये बर्तन धो के और केक्स की जो सफाई के लिए कपड़े वो सब धोई, और ये जो ऑलरेडी से धो के रखा हुआ था कपड़ा मैंने सूखने के लिए, वो कपड़े सूख चुके हैं तो ये सब उतारूँगी क्योंकि मानिक तल्ला जाके अब मुझे रहना है कुछ दिनों तक। तो ये कपड़े सारे फोल्ड वोल्ड करके और अपनी पैकिंग करके राखी में क्या पहनूंगी, बैग पैक करने के बाद फ्रिज से सारे बॉक्सेस निकाल ली हूँ और अब घर जाने की तैयारी है। ये देखिए पैकिंग भी हो गई, राखी में क्या पहनना है साथ में केक्स, और मैंने एक कैब बुक किया और अब जा रही हूँ मानिक तल्ला। और बारिश भी देखिए काफ़ी हो रही है और फिलहाल 7:30 बज चुके हैं शाम के। तो सुबह नाश्ता करके आई थी तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, भूख लगी है बहुत ज़बरदस्त और थक गई हूँ पूरे दिन इतना काम करके केक्स। और ये देखिए तीनों बच्चे कितने खुश हैं और वो लोग तुरंत ही काटने लगे क्योंकि खुशी चली जाएगी ना, मतलब नेक्स्ट डे खुशी चली जाएगी, तो इसीलिए वो लोग सोच रहे थे आज रात से ही केक खाना शुरू करेंगे, इसीलिए वो लोग आज ही काट ले रहे हैं, यानी कि ये 10 तारीख को ही सब बच्चे केक काट रहे हैं 10 तारीख की रात को। और देखिए इन लोगों की मस्ती तो चलती ही रहती है सारे भाई बहनों की। न्यू व्यूअर्स के लिए बता दूँ खुशी जो है ये मेरे भाई की बेटी है, और बीच में जो है पुन्नू वो मेरी सिस्टर का बेटा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है वो मेरा बेटा आदि है, और जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता ही है ये बच्चे कौन हैं। तो कुछ इसी तरह से ये लोग की मस्ती चल रही थी। देखिए
और इसी के साथ 10 तारीख का व्लॉग ख़त्म हुआ और ये देखिए 11 तारीख का व्लॉग शुरू हो गया है। आज के लंच में मैंने बनाया था शक्करपाला और इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे दूसरे वाले चैनल जिसका नाम है मेरा की पैशन ऑन प्लेट, उसमें मिल जाएगी आपको। और ये देखिए आज भाई लोग शाम को चले जाएंगे, भाई भाभी और खुशी। तो ये भाई ने कुछ जो बैंकॉक की करेंसी होती है ना भाट, तो वो है। और पता है आज मैंने लाइफ में पहली बार डॉलर को देखा और हाथ से टच करके भी देखा, तो डॉलर कैसा होता है ये मैंने आज पहली बार देखा है। और जी नहीं, मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि राखी गिफ्ट, वो मैंने यूं ही कह दिया था राखी का गिफ्ट नहीं है, ये सब एक्चुअली भाई लेके जाएगा क्योंकि वो लोग आज शाम को निकलने वाले हैं ना बैंकॉक, तो वो ये सारी करेंसीज वो लेके जाएंगे। तो देखिए शाम हो चुकी है और राखी बांधना तो नहीं है, राखी प्लास्टिक के साथ ही है, बस टच कर दिया मैंने ताकि हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले सके, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कि एक फ़ोटो तो रह जाएगी। ये पहली बार हो रहा है जब राखी में राखी नहीं बांध पा रही हूँ क्योंकि हम लोग कल राखी सेलिब्रेट करेंगे, तो बस फ़ोटो लेने के लिए हम लोग देखिए बैठ गए। और ये देखिए भाई ने मुझे एक 5000 दिया, 50 रुपये का बंडल। और छोटा भाई तो यहीं रहेगा, उसे कल बांधूंगी तो वो आप लोग कल देखेंगे व्लॉग, कल एक्चुअली हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और ये देखिए भाभी का लुम्बा भी मैंने दे दिया और भाभी ने मुझे दे दिया, और ये भाभी का गिफ्ट जो मैं लाई थी पर्स वो मैंने भाभी को दे दिया। और ये सारा कुछ ना भाई भाभी को जो राखी है ये सब वो लोग लेके जा रहे बैंकॉक, और कल खुशी बांध देगी भाई को। और खुशी भी, ये देखिए अब खुशी और बच्चों की राखी सेलिब्रेशन चल रही है, आदि ने गिफ्ट दे दिया, खुशी ने राखी दे दी, और कल मम्मी जो है ना मेरी यानी कि बच्चों की जो नानी है वो बांध देंगी आदि और पुलकित को। खुशी बस टच करके फ़ोटो खींच रही है, राखी बांध नहीं रही। और देखिए आदि और पुलकित ने दे दिया गिफ्ट खुशी को, और ये तीनों बच्चे एक साथ। अब वक्त आ गया है निकलने का, टाइम हो रहा है बैंकॉक जाने का इन लोगों का, भाई भाभी और खुशी का। ये लोग की मस्ती जो है ना ख़त्म ही नहीं होती। खैर चलिए समय हो गया निकलने का, तो ये देखिए भाई लोग अब जाते हुए। बहुत ख़राब लग रहा था राखी के दिन बिना राखी बंधवाए जा रहा, ऐसा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हम लोगों के साथ हुआ, लेकिन क्या करें टाइमिंग ही ऐसी हुई। भाई ने पहले सोचा था 11 तारीख को राखी है तो सुबह तो राखी हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे और फिर रात की फ्लाइट रहेगी, लेकिन यहाँ वो भद्रा लगा है ना जो एक आप सभी को पता होगा, तो भद्रा के वजह से हम लोग 11 तारीख को नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह से राखी बस हम लोगों ने दे दिया है, खुशी बांध देगी वहीं बैंकॉक में। और ये 11 तारीख का व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, और इसके बाद मैं व्लॉग ख़त्म करूँगी, काफ़ी थक गई हूँ क्योंकि हर रोज़ इतना काम, पूरे पूरे दिन काम रहता है ना, तो थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो देखिए भाई भी उतर गया, खुशी उतर गई, और अब भाभी भी जाएगी, और इसी के संग हम ख़त्म करेंगे आज का व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी ज़रूर एक लाइक करते जाइएगा वीडियो पे और शेयर भी कीजिएगा। और फैमिली अब आ गई हूँ सोने के लिए, दिन भर इतना सारा काम करने के बाद थक भी गई हूँ बहुत, और चलिए अब जाती हूँ सो जाऊँ, और सुबह उठना है जल्दी जल्दी क्योंकि कल हम लोग राखी सेलिब्रेट करेंगे। और कल के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे हम लोगों की राखी, मतलब आज 11th है, 11th की रात है और कल 12 तारीख है, 12 तारीख को हम राखी सेलिब्रेट करेंगे, तो वो व्लॉग आप लोग 13 तारीख को देखेंगे सुबह। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आदि ऑलरेडी सो चुका है, और अभी पता है कितने बज रहे हैं, रात को 2 बज रहे हैं, और कल सुबह मुझे फिर से 5 बजे उठ के सारा खाना वाना, पहले क्योंकि राखी है मामा जी आते हैं तो खाना भी काफ़ी कुछ बनना है, तो 5 बजे सुबह उठना है, उठने के बाद फिर खाना वाना सब बना के तैयार करूँगी, उसके बाद हम लोग राखी सेलिब्रेट करेंगे, भाई को राखी बांधूंगी, फिर निक्की अपने मायके जाएगी, काफ़ी कुछ है। और अभी मैं लास्ट शूट कर रही हूँ ये वाला, और इसके बाद मैं फिर वीडियो की एडिटिंग करूँगी, करीब करीब 1 घंटा मुझे और लग जाएगा, तो 3 बजे सोऊंगी और फिर बस 2 घंटे सो पाऊँगी, फिर 5 बजे सुबह से उठ के फिर से काम में लग जाना है। तो इसी तरह से ना कुछ दिनों से ये ऑर्डर्स वगैरह ये सब के लिए रोज़ ही लगभग काफ़ी प्रेशर हो जा रहा है काम का, जिसकी वजह से तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और इसीलिए ना व्लॉग भी बीच बीच में नहीं हो पाता है, मतलब शूट किया हुआ रहता है सब कुछ लेकिन एडिट वगैरह करो इतना टाइम ही नहीं मिलता है,
रात को तबीयत ठीक नहीं लगती है, टायर्ड हो जाती हूँ और बस सो जाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, अभी राखी का दिन है और फिर बहुत कुछ गैलरी में भर जा रहा है, इकट्ठा हो जाता है इतना सारा ना शूट करके, तो मैंने सोचा आज मैं ज़रूर जितना भी रात हो जाए ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो इसीलिए आज का ब्लॉग चलिए एडिट कर लेती हूँ, तो कल सुबह आप लोग देखेंगे इसको। फिर मिलते हैं इसके बाद वाले ब्लॉग में, आप हमारी राखी देखेंगे सेलिब्रेशन। बाय बाय, हैव अ गुड डे। और आप सब भी अच्छे से, जो लोग आज ही राखी मना रहे हैं 11 तारीख को, उन लोगों के लिए भी राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग कल मनाएंगे हमारी तरह, तो उन सभी के लिए भी विशिंग अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। और इसी के साथ बाय बाय, हैव अ गुड डे, फिर मिलते हैं कल।